ओम गुरुदेव दत्त 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 ओम योग ओम राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ओम ह्रीं क्लीं श्रीम ऐं क्लीं गं गणेशाय नमो रवरवरद सर्वजनं शमानस्व शमानस्व ओम गुरुदेव दत्त ओम ह्रीं क्लीं श्रीम ऐं सौंदरां दत्तात्रेयाय नमो ओम क्रीं 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 ओम भद्रकाली द्रकाली भद्रकाली देही परमेश्वरी ओम गुरुदेव दत्त 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 ओम चिक 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 ज्वाल 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 नरसिंह नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह कृष्याम कृष्याम ओम मातृदेवो भवम पितृदेवो भवम आचार्य देवो भवम गुरुदेव दत्त। परिष्कार मार्ग चैनल प्रेक्षक महाशय, मेरा अभिमानो, आपके लिए ये चैनल जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये निज जीवित में डेली जो अपन सांसारिक बंधों में ये अपने को ऋण बाधा और बच्चों का शादियाँ नहीं हो रहे और अपना घर में आर्थिक समस्या प्रॉब्लम हो रही उसके लिए और पति पत्नी घर में झगड़ा हो रहे दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम्स हो रहे हस्बैंड एंड वाइफ दूर हो गया चले गया छोड़ के, ऐसा चीज़ों में मैं आप लोगों के लिए मैं एक छोटा छोटा परिष्कार मार्ग बता रहा हूँ। मैं 40 ईयर से ये अन्वेषण कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, कई लोगों को मेरे से फलित होके अच्छा हो गया। बाहर कंट्रीज में है मेरा क्लाइंट्स, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, ऐसा कंट्रीज में मेरा क्लाइंट्स है। इसलिए आज मैं ये जो चैनल में आप लोग विकसित कर रहे से इसमें जो मैं बता रहा हूँ परिष्कार मार्ग, इसमें कर ले के आप फलित आ गया, अच्छा दिख रहा, आपका बंधु मित्रों को शेयर करिए, मेरा परिष्कार मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करिए, 10 लोगों को बोलिए अच्छा हो गए तो। मेरे को आप लोगों का फीस ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए दक्षिणा ज़रूरत नहीं है अच्छा हो गए तो। मेरे को खाली मेरे नाम से आपका नाम से एक मंदिर में अन्नदान के लिए पैसे दो। अन्नम पर ब्रह्म स्वरूप अन्नपूर्णेश्वरी समृद्ध हो गए तो ऐश्वर्य ऐश्वर्य आयुर आरोग्य धन कनक वस्तु वाहन सबको समृद्ध रहेगा अन्नपूर्णा आशीर्वाद से। आज का मई शीर्षक क्या है, आज का सब्जेक्ट क्या है बोले तो चंद्रमा, चंद्रमा ग्रह, ये नवग्रहों में चंद्रमा ग्रह सेकंड नंबर में आता, दूसरी नंबर में सेकंड में आता, ये चंद्रमा का ग्रह, नौ ग्रहों में ये सेकंड नंबर में आता चंद्रमा ग्रह, ये नौ ग्रहों में चंद्रमा सूरज का फर्स्ट में आता, चंद्रमा सेकंड में आता, ऐसा एक एक ग्रह नौ ग्रहों को मैं अपन पूजा करें तो उसका फलित कैसा आता बोल के सनातन से अपना ऋषि महाराज लोग बताए सो है, सनातन में अपना ग्रंथों में तालपत्र ग्रंथों में लिखे सो है। ऐसा एक एक ग्रह को पूजा प्रॉब्लम के लिए जो प्रॉब्लम है वो एक ही ग्रह को पूजा करना, नौ ग्रह करे तो फलित नहीं आएगा। इसलिए मैं चंद्रमा के चंद्र ग्रह के लिए बोल रहा हूँ आज, चंद्र ग्रह को कैसा करना। चंद्र का दोष रहे तो एक्सीडेंट्स होते रहता और आंखों के वाइट वाइट जो रहता, सफ़ेद जो रहता है जिसम के, उसके ऊपर इफेक्ट हड्डियों पे, ये हड्डियों पे और धातुओं पे आंखों पे इफेक्ट रहता, दोष रहे तो चंद्रमा का दोष रहे तो, चंद्र ग्रह का दोष रहे तो। बच्चों का शादियाँ नहीं होती, बच्चे बाहर जाने का है नहीं जा सकते, ऐसा चीज़ों के लिए अपन क्या करना, चंद्रमा को अपन अभिषेक, इनका अभिषेक के लिए क्या चावल आता, धान्याभिषेक और जलाभिषेक करके वस्त्र वाइट आता, हर एक वाइट रहता, इसको मिल्क से भी अभिषेक कर सकते, दूध से और शुद्ध शुद्धोदक पानी बोले तो ये नारियल का पानी,
उससे भी कर पानी ये कर सकते हैं। मैं आपको प्रत्यक्ष से मैं ये पूजा विधान बताता हूँ। अब अपन ये चंद्रमा का, ये चंद्रमा का मूर्ति है, इनको कैसा पूजा करना है। इसको व्हाइट वस्त्र पिना दिया, मैं व्हाइट वस्त्र पिना दिया। और आपको क्या करना, अपन अभी फर्स्ट अभिषेक कर देना, ये शुद्ध नारियल का अभिषेक करना। शुद्ध नारियल, ये नारियल में पानी जो रहता भगवान देता, ये कोई जमीन में से आए सो नहीं, ये पृथ्वी में से आए सो नहीं, बोरिंग से नल से आए सो नहीं, ये शुद्ध शुद्ध जल बोलते। इसको अपन नारियल फोड़ के डाल, अब शुद्ध होता का स्नान, ये अभिषेक हो गया, ये अभिषेक कर दिया अपन। ये अभिषेक होने के बाद अपन क्या करना, अब धान्याभिषेक करना। धान्याभिषेक बोलो तो धान्य कौन सा आता, ये चांद ग्रह के लिए, चंद्रमा का ग्रह के लिए धान्य जो है चावल आता। ये चावल है, ये चावल अपन क्या करना, एक मुट्ठी से ऐसा नहीं डालना, एक मुट्ठी से ऐसा नहीं डालना, ऐसा डालते ऐसा नहीं डालना, दो हाथों से अंजलि, अंजलि बोलते ना, अंजलि बोलते ना, अंजलि बोले तो अपन दो हाथों से करना, उसको अंजलि बोलते, ऐसा दो हाथों से ऐसा अभिषेक डालना चंद्रमा के लिए। ऐसा अभिषेक होगा धान्याभिषेक। ये धान्याभिषेक होने के बाद अपन अभी ये को लिए एक धूप चला, धूप धूप होने के बाद दीप, अभी धूप ये अगरबत्ती जलाना, धूप धूप दीप नैवेद्य, धूप अभी धूप, ये धूप हो गया, धूप बोले तो अगरबत्ती धूप बताना, ऐसा ऐसा धूप बता देना। ये धूप बताने के बाद अपन क्या करना, ये नैवेद्य देना, दीप दीप जला, धूप होने के बाद दीप दीप लगा दी, अब वो दीप लगाना, दीप हो गया। दीप होने के बाद, दीप होने के बाद अब नैवेद्य, अब अपन ये पोड़े सो नारियल है ना, उनको अभिषेक करे सो वही नैवेद्य सकते, अब नैवेद्य नैवेद्य। अब उसको ओम भोर्वस्व तस्वी तरवरी नंबर गो देवस्व विमय दिये यो नो प्रचोद ओम प्राणाय स्वापानाय स्व मध्य मध्ये पानीयं समर्पयामि। ओम नारिकेल प्रसादं समर्पयामि। चंद्र ग्रह दो चंद्र ग्रह दोष निमित्तं धान्याभिषेकं जलाभिषेकं नारिकेल प्रसादं समर्पयामि। बोलके ये आरती देना, ये सब अवनि करने का है, ब्राह्मण भी जरूरत नहीं है, जिसका कर्म हो उन्हें कर लिए तो जल्दी आपको चंद्रमा का आशीर्वाद मिलेगा। ये है आरती, ये आरती देव चंद्रमा के लिए, आरती देव, आरती देने के बाद एक घंटी बजाना, घंटी बजाना, बजाने के बाद अपन अब संपूर्ण चंद्रमा का दोष निवारण पूजा हो गया। ये ग्रह के लिए ऐसा कर लिए तो अपने को धन कनक वस्तु आना आदि ऐश्वर्य आदि मिलता। ये मंडे के दिन करना, सोमवार के दिन ये क्रिया। अपन भी वही ड्रेस डाल लेके जाना, लेडीज रहे तो भी वही ड्रेस डाल लेके जाना, कर लेके ये पूजा करो। और चंद्रमा के लिए और पूर्णिमा के दिन करें तो और अच्छा है। जय गुरुदत्ता।